हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन योर चैनल। अब पापा ने दी आवाज और हम आ गए, तो खाटू श्याम की बाबा की तरफ जा रहे हैं। और देखते रहना रास्ते के नजारे, अभी पहुंचने वाले हम भिवानी। भिवानी से निकल के पहुंचेंगे, आए हैं दादरी से, सोच रहे थे मगर चिड़ी गांव से चल के अभी भिवानी की तरफ से निकलेंगे ऑन बाइक अपनी धनों पे। यो यो बाबा सिंह, जय खाटू श्याम बाबा की जय हो। तो अभी भिवानी में एंट्री कर रहे हैं और यहाँ का भाई काफी साल हो गए, करीबन 2-3 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ यहाँ की हालत। ये फ्लाईओवर नहीं बना है भाई, बहुत परेशानी होती है यहाँ से आने जाने में। चलो बाइक वाले तो निकल जाते हैं, गाड़ियों वालों को तो और ज्यादा परेशानी होती है। पहले तो गाड़ियों का भी बंद था, अभी तो चल रहे हैं फिर भी। और ये देखो, श्रावण मास के महीने में हम जा रहे हैं बाबा भोले की दया से खाटू श्याम। तो खाटू श्याम के लिए आपको पता है, लास्ट वीडियो देखी होगी तो मनाली वाली, वहां हिडिंबा टेम्पल में मैंने बोला था कि वहां से लेके फूल और खाटू श्याम को अर्पित करने जा रहे हैं। ये लगा लो खाटू श्याम जी की दादी हिडिंबा का आशीर्वाद ही है एक तरीके से, मैं मानता हूँ। तो वही खाटू श्याम जी को देने जा रहे हैं। और जब तक सच्ची बताऊं वो नहीं लेके आया था, तब तक जाने का इतना ऑफ रोडिंग भाई, ऑफ रोडिंग। भाई दवा की ऑफ रोडिंग हो रही है, बहुत गंदा एरिया है भाई ये, पता नहीं कब बनेगा यहाँ का रोड। इतने गड्ढे हैं पूछो मत, कम से कम रोड तो बना देते, यहाँ तक तो बना ही सकते थे यार। अभी तो काम ही कुछ नहीं बचा है। ये देखो, ऐसे पूरे रास्ते मिल गया तो हो गया कल्याण। हेलो अन्य सोकर गांड दिया रे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। भाई आगे वाले टायर की हवा निकल गई है पता नहीं कैसे, और अभी देखते हैं भिवानी में घुस के कहाँ मिलेगी हवा। तो वहां डलवाते हैं, फिर करते हैं, चोकर भी नीचे बैठ गए हैं, देखो कैसे पहुंचते हैं। अभी गलवा कर चले हैं हवा, देखते निकलती है या नहीं। अगर अब निकली तो समझो कुछ ना कुछ पंचर या ऐसी बात हो जाएगी। भाई निकला तो है ये भी, अभी भिवानी के अंदर भी रोड बन रहा है, वो भी 3-4 साल हो गए, वो भी नहीं बना है। क्या चल रहा है भाई, इतना लेट लेट क्यों होते हैं काम, समझ में नहीं आता मेरे को तो। बाकी आप रास्ते के नज़ारे लो, कोई भी प्रॉब्लम हुई चलेंगे जरूर खाटू श्याम बाबा के पास। जय बाबा श्याम, जय हरे का सहारा बाबा हमारा, जय श्री कृष्णा। हमारे कानू भी साथ में चल रहे हैं, उनके भी दर्शन करवाएंगे आपको। यहाँ से निकल लेते हैं फिर बनाते हैं व्लॉग। तो अभी तो चल रहे हैं ऐसे ही और सिटी के अंदर ही आ गए हैं। यहाँ से निकलेंगे लोहारू की तरफ, मेरे को लग रहा है टायर में पंचर वगैरह कुछ ऐसी दिक्कत है तो रोकना ही पड़ेगा टायर, मतलब ठीक करवानी पड़ेगी। ये देखो भाई चौक पे आ गए हैं, कौन सा चौक है भिवानी का, बाकी घंटाघर पे आ गए हैं। और अभी टायर पंचर की दुकान देखनी ही पड़ेगी, ऐसे काम चलेगा नहीं।
तो देख रहा हूँ रास्ते में कहीं मिलेगी तो वहां रोकना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा ठीक। बैठ जाए तो चाल दिए हाँ लगवा के पंचर जय श्री गणेश यात्रा का जय खाटू श्याम। वो वही बल्कि चाल गई है भाई बाइक। और ये देखो बम 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 सारे बम के नारे चल रहे हैं। हर हर महादेव की कहानी सब न सुनानी। बाकी सावन में खाटू श्याम के पास जा रहे हैं, जाना तो चाहिए भोले जी के पास अगर सावन की बेला देखे तो। मगर ये भी था कि खाटू श्याम जाना है, दूसरा ये भी है कि गंगा पे जाने में अभी इतनी भीड़ है पूछो मत, ज्यादा भीड़ में दर्शन का मजा नहीं आता। भीड़ तो खाटू श्याम भी मिलेगी मगर इतनी नहीं मिलेगी। जो फेस्टिवल होते हैं ना जब ले जाना तो महाभारत होता है कहीं भी बाद में दर्शन कर लो वो अच्छा रहता है। और अभी तो बच्चे जा रहे हैं साथ में पहलवान के लड़का और लड़की तो उनके साथ में जा रहे हैं तो भाई देखो ज्यादा भीड़ में जाना कोई समझदारी वाली बात मेरे को लग नहीं रही तो ऐसे ही चल दिए। पहली बार इतना लंबा टूर कर रहे हैं बाइक के ऊपर, सोच ही रहे हैं दो तीन साल से बाइकिंग करेंगे मोटो ब्लॉगिंग करेंगे स्टार्ट तो किया चैनल और पहली बार सीधा खाटू श्याम की यात्रा चल रही है हमारी धंधों पे। ये देखो कितने दिन तक साथ देती है, इसके बाद लेंगे कौन सी बाइक लेंगे, स्प्लेंडर लेंगे या प्लेटिना 110 लेंगे, ये इसी में कंफ्यूजन है या एक सीएनजी वाली आई है वो लेनी है तो पता नहीं। देखो सजेशन दो भाई कमेंट में कौन सी लेनी चाहिए, किसमें बेनिफिट रहेगा, कौन सी अच्छी चल रही है। वैसे सजेशन में जो सीएनजी वाली आ रही है लग तो अच्छी रही है मगर उसका कोई ओनरशिप रिव्यू नहीं आया है, ओनरशिप रिव्यू नहीं आया तो उसका पता नहीं, मगर बेटर फीचर वही लग रहे हैं क्योंकि 1 रुपए से भी ज्यादा में वो किलोमीटर दे रही है तो इफेक्टिव तो बहुत रहेगी, कॉस्ट इफेक्टिव तो बहुत है। तो चलते और बारिश का भी प्रोग्राम बन रहा है शायद, बारिश आ गई तो गोप्रो अंदर रखना पड़ जाएगा। हाँ बेटा स्पीड भगा लिया ठीक से बाहर लेकर दे शहर तो हाँ रास्ते को देखने दे। पहलवान लगाए हुए है भाई मैप पे तो उसी को फॉलो कर रहे हैं, सामने पहलवान और वो भी जा रहे हैं।